गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। सो गाइस, एवरी डे मैं आपको कहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्या गाइस ये वीडियो आप जब देखोगे तो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है गाइस, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ और काफ़ी नुकसान मुझे भी होता है, आप सबके सामने मैं कहता भी हूँ वीडियो में क्या कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो सब मैं आपको सामने बताता हूँ गाइस, आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। और अभी तो गाइस मुझे लॉस ही हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस 4-5 दिन से 6-7 दिन मुझे ट्रेडिंग करते हुए हुआ है इंट्राडे में, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट तो मुझे काफ़ी टाइम से हो रहा है कि मैं इन्वेस्ट करके रख देता था तो उसमें तो काफ़ी टाइम हो गया गाइस, लेकिन इंट्राडे में मुझे 6 से 7 दिन हुआ है मैक्सिमम, तो इसमें लॉस भी हुआ है और प्रॉफिट भी हुआ है। तो अभी तक मैंने सबसे लॉस ही बुक किया है अभी तक। अब ये करेंगे हम कैलकुलेशन करते हैं तो लॉस ज़्यादा बुक हो रहा है मेरा, ठीक है गैस। तो लेट्स सी ये कब तक कैरी फॉरवर्ड होता है लॉस मेरा, ओके गैस, या प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा हूँ मैं, तो जो कुछ है मैं आपके सामने शो कर दूंगा, ठीक है ना गैस। तो वो ही, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हम आज की बात करते हैं, आज क्या हुआ, कौन सा शेयर लिया था मैंने, प्रॉफिट में हूँ क्या लॉस में हूँ आज गैस, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना गैस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गैस। तो आज मैंने गाइस लिया था कोल इंडिया, मेरी एनालिसिस काफ़ी अच्छी थी कोल इंडिया के पीछे, तो मैंने चूज़ किया था कोल इंडिया को गाइस। तो मुझे मॉर्निंग में ही, लेकिन मार्केट डाउन है गाइस इसलिए अप डाउन हो रहा है काफ़ी, तो मैंने फाइनलाइज तो कर दिया कि मुझे कोल इंडिया ही लेना है, ठीक है। तो मैंने बुक किया अराउंड, बहुत लेट लिया मैंने कोल इंडिया, मुझे देखना था कि वो अप जा रहा है, क्योंकि 3 से 4 दिन से वो ऊपर ही जाता था, मुझे डाउट था कि शायद आज वो नीचे आ जाए और मेरा ऐसे दिन ख़राब चल रहा है, अगर मैं बाई करता और नीचे आ जाता तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो गैस, तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने बाइंग कितने में की कोल इंडिया को, ठीक है गैस। तो गैस मैंने 560 क्वांटिटी ली कोल इंडिया की, ठीक है। और 233 में मैंने बाई किया कोल इंडिया, ठीक है गाइस। और मैं कब से वेट कर रहा था उसको कि आप बढ़ जाए, लेकिन मैंने लेट बाई किया उसको, वेट कर रहा था मैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने आज 560 क्वांटिटी लिए 233 पे, और मैंने 233.15 में कोल इंडिया को निकाल दिया, बेच दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना, काफ़ी लेट हो गया था आज मुझे, ठीक है गाइस। तो मुझे बेनिफिट हुआ 84 रुपीज़ का, ठीक है। तो मैंने सोचा अभी और कुछ करना चाहिए, अभी इसमें से तो निकल गए, और इसकी प्राइसिंग कोल इंडिया की मोर देन 235 के ऊपर जा रही नहीं थी, 233, 232, 231, 231 तक लो में से लो 231.10 कुछ है, और मैक्सिमम 235 पॉइंट समथिंग है, ठीक है गैस। तो वो ही उसमें रेडियस में घूम रहा था, तो फिर कुछ निकलता ही नहीं, कुछ बनता ही नहीं था, तो मैंने तो फिर भी लिया 560 क्वांटिटी 233.15 में, ठीक है, 233 में लिया और 233.15 में बेच दिया। फिर मैंने और एक चांस लिया हिंडल को है, तो वो कंपनी में मैंने बाई किया 300 क्वांटिटी, तो उसका भी शॉर्ट ही किया गाइस, ज़्यादा कुछ मैंने ये नहीं किया, ज़्यादा होल्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे लॉस बुक करना ही नहीं था, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया था अभी कंटिन्यूस लॉस बुक कर करके, ठीक है गाइस। तो 403.95 मैंने लिया हिंडल को, ठीक है, और मैंने 404.10 में उसको बेच दिया, तो उसके पीछे भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला मुझे, 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, बहुत पैसों में मैंने ये की डीलिंग आज, लिया थोड़ा कुछ पैसे बढ़े 10-15 पैसे बढ़े और बेच दिया, ठीक है गैस। तो वही था आज के दिन में, तो आज के दिन में प्रॉफिट हुआ तो वो ये कितना 129 के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है गाइस आज के दिन में। तो वही था, और मार्केट भी काफ़ी अप डाउन हो रहा था, तो ठीक नहीं था ज़्यादा, और मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना, क्योंकि 12:30 तक मैंने होल्ड करके बैठा था, तब तक वो मिला ही नहीं जो मैंने टारगेट लगाया था कोल इंडिया का, तो उसके पीछे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और तो वही फिर मैंने चेंज कर दिया, कम में बेच दिया, कम प्रॉफिट में कोल को, और उसके बाद हिंडल को लिया और उसको भी गैस वो कम में बेच दिया मैंने, ठीक है गैस। तो यही था, जितना कुछ था नहीं बताने के लिए, फाइनली कुछ लॉस करने से बेटर है कुछ मैंने अर्न किया गैस, क्योंकि मैं काफ़ी
इस दिन से कंटिन्यूस लॉस ही कर रहा था। आपको मैं बता दूँ कितना दिन लॉस किया मैंने, तो मैंने 4 अक्टूबर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया इंट्राडे का, और आज 13 तारीख है अक्टूबर की, तो मैंने इसमें प्रॉफिट किया। 4 अक्टूबर को प्रॉफिट किया गाइस। फिर मैंने 6th को लॉस किया, 7th को लॉस किया, 10th को प्रॉफिट किया, 11th को लॉस किया, 12th को लॉस किया, और आज 13 अक्टूबर है, आज मैंने प्रॉफिट किया। तो मेरा प्रॉफिट आप देखोगे सिर्फ 3 दिन प्रॉफिट हुई है, और नॉट अ बिग अमाउंट, और मेरा नुकसान लॉस बड़ी अमाउंट में हुआ है गाइस। ठीक है, तो लॉस में 1600, 1200, 2000 रुपये, 2350 से लॉस की अमाउंट है। मैं रिपीट करता हूँ, 1600, 630, 2350 और 2000, ये लॉस अमाउंट है। और प्रॉफिट अमाउंट है 100 रुपीज़, 1020 और आज का 129, ये प्रॉफिट है 3 दिन। तो लॉस की अमाउंट ज़्यादा बड़ी है। ठीक है गाइस, तो ये गाइस अभी के लिए दैट्स इट गाइस। कल मिलते मेरे न्यू एपिसोड में सचिन तलेकर ब्लॉग। ओके बाय, टेक केयर, बाय।